गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम पहुंच गए हैं काठगोदाम से, जा रहे हैं अभी आलमोरा के तरफ। बीच में रुके हैं, थोड़ा नाश्ता वास्ता किए हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ का नज़ारा बस, सामने एक वैली है, सिर्फ देखिए इसे। पहुंच गए हैं आलमोरा। यहाँ भी बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, यहाँ पे भी बारिश हो रही है। जब भी हम निकल रहे हैं तब भी बारिश हो रही है। अभी दो तीन मिनट के लिए रुका है यहाँ से। एक्चुअली पूरा जो व्यू है, जो माउंटेन का जो पूरा व्यू दिखता है, एक्चुअली पंचचुल्ली भी यहाँ से शायद दिखता होगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन आप समझ सकते हैं ये जो वैली है सामने और उसके बाद वो पहाड़ क्या दिखता होगा। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ये देखने से ही पता चलता है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये रहा। इस जगह का नाम है ब्राइट कॉर्नर। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद आए हुए थे, तो इनका यहाँ पे एक स्टैचू है, और रामकृष्ण मिशन का शायद एक ब्रांच भी यहाँ है, लेकिन यहाँ का व्यू जो है बढ़िया है। ये जो छोटा सा धारा जैसा दिख रहा है, ये एक्चुअली कोसी नदी है। इस कोसी नदी के बगल से ही हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये कौसानी से ये कोसी नदी का शुरुआत होता है, और एक्चुअली ये कोसी वही नदी है जो बिहार में तांडव मचाती है। वो नदी दोनों को ही डिवाइड करती है, नेपाल को, एक तिब्बत बॉर्डर है इस साइड में, और राइट हैंड में नेपाल है और हमारा इंडिया है। हम लोगों का पूरा ये एक नदी से ही पूरा हिस्सा अलग अलग हो रखे हैं। हाँ, वो बंटवारा टाइप का है। ऐसे नेपाल ऐसे देखेंगे आप, जैसे ये पहाड़ दिख रहा ना, इसके सामने में नेपाल है, पूरा इंडिया और नेपाल दोनों सामने काचा काची एकदम। इनसे मिलिए, ये हैं पप्पू भाई। पप्पू भाई हमारे ड्राइवर ही नहीं, हमारे गाइड और फ्रेंड भी हैं, और पप्पू भाई के वजह से ही ये ट्रिप हमारे लिए इतना यादगार रहा। इसमें क्या है? ये है आलमोरा का मार्केट। लोकल लोग अपने जरूरत के सब सामान यहीं से खरीदते हैं। माता जी कहाँ से हैं आप? कौन सा गांव? सरसों गांव, नजदीकी है। अरे ये क्या है, लेकिन सुहानी एकदम खुश नहीं है। इतने बारिश के अंदर कहां कहां घुमा रहे हो मुझे? What? Now she is smiling. और खाने की बात होते ही सुहानी के मुंह में खुशी की लहर। आलमोड़ा में क्या-क्या देखने की जगह है? दादा यहाँ पे हम लोग गए थे, जो साइट सीन था थोड़ा सा, और इधर नंदा देवी टेम्पल है अपना, और ये स्वामी विवेकानंद का आश्रम है, और
वाइट कॉर्नर है और माल रोड आप देख के आए हैं और ऊपर मंदिर हैं और ज़्यादा तो यहाँ पे ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है लेकिन नेचुरल ब्यूटी बहुत है। ये केम्फियन का रेस्ट हाउस है अल्मोरा में, काफ़ी सुंदर है और हर एक रूम में बड़ी खिड़की होने के कारण बाहर का नज़ारा घर बैठे ही एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां तैयारी चल रही है शाम के भूख के लिए। पहले प्याज आलू मिर्चा सब काट लो, फिर बेसन लो, बेसन में भिगो के इनको उबलते तेल में तलना होगा। बस अभी निकल रहे हैं बिनसर के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, फिर से गुड मॉर्निंग, क्योंकि तब थोड़ा नींद में था, ठीक से बोल नहीं पाया। तो अभी हम जा रहे हैं बिनसर के तरफ। बिनसर एक्चुअली एक जंगल के अंदर है जितना मुझे पता है अब तक, और वहाँ से एक्चुअली जो भी रेंज है यहाँ का वो सारे रेंज पूरे आराम से दिखते हैं। तो होप कि आज तो बारिश नहीं हो रहा है, हमें ठीक ठाक दिख जाएगा। पहुंच गए हैं बिनसर फॉरेस्ट चेक पोस्ट था, वहाँ से अंदर आ गए हैं, अभी जा रहे हैं ऊपर। केम बिन का एक गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम रुकने वाले हैं वहाँ तक, फिर वहाँ से प्लान ये है कि एक जीरो पॉइंट करके जगह है, हम छोटी सी ट्रेक होता है उसके लिए हम वो आज करने वाले हैं। देखते हैं क्या सिचुएशन क्या होता है, जा पाते हैं कि नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं जीरो पॉइंट की तरफ ट्रेक करते हुए, हमारे साथ है पप्पू भैया। पप्पू भैया को पता है कहाँ है वो जगह, तो हम सब एक साथ जा रहे हैं। जीरो पॉइंट है जहाँ से पूरा 90 डिग्री सेल्सियस ताप उसमें दिखता है, 90 डिग्री में दिखता है। हाँ, 90 डिग्री में पूरा, क्या है, कौन कौन से पीक्स है, पूरा पीक पूरा आपका तिब्बत से लेके नेपाल तक, और पंचचोली, नंदा घुंटी और त्रिशूल, हमारे कुमाऊँ का सबसे बड़ा रेंज इस जगह से दिखता है। अच्छा, पता नहीं, देखते हैं, क्योंकि बहुत क्लाउड है। हाँ, वेदर ठीक नहीं था 3-4 दिन से, क्या देख पाते हैं वो पता नहीं, लेकिन जो जो भी दिखेगा ट्रेकिंग अच्छा है उसका एंजॉय करते हैं। बारिश होना भी बहुत जरूरी है, अगर बारिश नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा। हम जब आ रहे थे इस साल जो था बरसात में बारिश कम हुआ, ये जो लास्ट का बारिश हुआ है ना, ये हाँ अभी जो बारिश हो रहा है इस बारिश से ही हमको पूरा साल चलाना है, यही पानी जो है हमको थोड़ा सपोर्ट करेगा। ये यहाँ पाया जाता है, हम लोग इसकी सुपारी बनाते हैं, इसको साफ करके पूरा इसको साफ करके धो करके इसको हम खा भी सकते हैं, अच्छी चीज़ है। हाँ, स्टोन हो जाता है ना, तो यहाँ तो आयुर्वेदिक से ज़्यादा यूज होती है, तो इसको हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ये बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर आपको हिरन चीता भी मिलता है, बोल रहे हैं लोग लेपर्ड है। बारह खंबा बारह सिंगा, ओके,
बारासिंगा जो, हाँ बारासिंगा, लेपर्ड और भालू सब मिल जाएंगे। लेकिन जो हाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात वही लग रहा है मुझे कि ये एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे चिड़िया बहुत हैं, तो जो बर्ड वॉचर है उनके लिए ये शायद पैराडाइज होगा। Yeah, so we have reached the top of ZeroPoint, huh? कहानी ये है कि हम पहुंच गए हैं जीरो पॉइंट, लेकिन यहाँ से सीन कुछ ऐसा है। एक्चुअली कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा बादल ही बादल है। अभी एक छोटा सा घटना घट गई थी, दुर्घटना घट गई थी। सुहानी का एक छोटा सा कैमरा रहता है, वो हॉटशॉट वो वाला, वो उसने बैग में कहीं पे बांध के रखा था, वो गिर गया था। फिर पप्पू भाई गए पूरे रास्ते, मैं आधा रास्ता तक गया के थक गया था, लेकिन पप्पू भाई पूरा रास्ता गए और वो कैमरा ढूंढ के फिर वापस लाए। तो भैया देर है, अंधेर नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिख गया एकदम। एक्चुअली जो पिक्स है, स्नो कवर्ड पिक्स है, वो दिखे नहीं, लेकिन वैली बढ़िया दिखा। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिख गया है अभी, मतलब एक्चुअली दो डबल रेनबो दिखाया हम लोगों को, मैंने कोशिश किया दिखाने के लिए, पता नहीं आप देख पाए होंगे कि नहीं, लेकिन इट वॉज ऑसम। तो अभी आपको एक केएमबीएन का ट्रिप करवा देते हैं, हम लोग रेस्ट ले रहे हैं, आप तब तक एंजॉय कीजिए इसको। जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं ये एक्चुअली केएमबीएन का एक रिसोर्ट है, बिनसर में शायद जंगल के अंदर ये एक ही ऐसा रिसोर्ट है जो इतने अंदर है। बाकी जो रिसोर्ट्स हैं प्राइवेट रिसोर्ट्स हैं वो बाहर हैं। तो अगर आप कभी आते हैं यहाँ पे तो ये बेहतर है कि आप यहीं पे रुके, और यहाँ से जो ज़ीरो पॉइंट है, मतलब जहाँ से एक्चुअली सनसेट या सनराइज़ जो दिखता है, वो अराउंड 2.5 किलोमीटर्स के रेंज में है। मॉर्निंग। सो ये बात है, और बाकी आपको रिसोर्ट दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे ऐसे बकेट दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं है, गीजर नहीं है, तो आपको बकेट से वो गर्म पानी ला के देते हैं और उसी से आपको आपका पूरा काम तमाम करना है। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक।
तो कहानी ये है कि ये बिनसर सेंचुरी के अंदर है और यहाँ पे बिजली नहीं है, तो रात को ये लोग क्या करते हैं, जो सोलर पैनल से जो करंट पैदा होता है उससे 3 घंटे के लिए इलेक्ट्रिक देते हैं। उन 3 घंटे में ही आपको आपका डिनर ख़त्म करना होता है और फिर सो जाना होता है। उसके बाद पूरी जगह पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, और ऐसे जगह जगह पे ऐसे मोमबत्तियाँ दी गई हैं, यू कैन यूज़ देम। और मुझे पता था तो मैंने हेड लैम्प ला गया था पहले से ही ताकि रात को थोड़ा सहूलियत मिले, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं पड़ा। बाहर जा रहे हैं तब भी इसका ज़रूरत पड़ता है, अंदर तो हर जगह पे मोमबत्तियाँ दी हुई है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्योंकि सब जगह पे तो बत्तियाँ रहती हैं, लेकिन ऐसे मोमबत्तियों में लग रहा था किसी राजा महाराजा के ज़माने से आए हुए हैं हम लोग। बढ़िया लगा, इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। कल सुबह देखते हैं क्या हाल है।